जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में जो कुछ मैं मैटर बता रहा हूँ वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस बार एसएससी जीडी 2021 में आपका 100% सलेक्शन हो जाए, तो 100% सलेक्शन के लिए आपके पास में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपके पास में 100% होनी चाहिए। 100% जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपके पास में है तो मेरी दावा है मेरा कि आपका सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के दे सकता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इसको भी सकते हो। अगर जिस दिन ना हो ये चीज़ें आपके पास में, वो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बुक के बारे में भी काफ़ी पूछते हैं, और भी कोचिंग के बारे में पूछते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी पूछते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी करते हैं, मैं जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूं दोस्तों। लेकिन अब मैं कुछ आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूं ये आपके पास में होनी चाहिए। अगर आप एसएससी जीडी में चाहते हो आपका नंबर 100% आए तो इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। अगर ये आपके पास में रहे तो गारंटी है मेरी, आपका नंबर कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। चाहे कहाँ से भी आ जाए आपका नंबर 101% आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपके पास में क्या होना चाहिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में कोचिंग होनी चाहिए, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से करो, चाहे ऑनलाइन कोई कोर्स खरीदो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन आपके पास में कोचिंग होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। एक दिन में कम से कम आपके पास में 7 से 8 घंटा कोचिंग को मिला के आपके पास में पढ़ाई करने के लिए होनी चाहिए। मैं ज़्यादा घंटे की बात नहीं कर रहा, 7-8 घंटा कोचिंग सहित अगर आप 8 या 9 घंटे भी अगर दिन में पढ़ते हो, 8 घंटे भी पढ़ते हो, तो बहुत आप एसएससी जीडी में आसानी से नंबर ला सकते हो दोस्तों। ये चीज़ें पहली बात, अगर आप नहीं हो पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में कोचिंग होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 7 से 8 घंटे आप दिन में आपके पास में फ्री होने चाहिए पढ़ने के लिए। बाकी टाइम आप चाहे कुछ भी करो, चाहे जॉब कर रहे हो या कुछ भी, आपके घर की परिस्थितियाँ कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे पता जो तैयारी कर रहे हैं उसकी घर की परिस्थितियाँ डिफ़िकल्टी है। जो ही बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे पता है उनकी घर की परेशानियां बहुत ही मजबूर है और अपनी प्रतिकूल प्रक्रिया में पढ़ रहे हैं, मतलब घर की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है उनकी, कई बच्चों की। तो दोस्तों ये चीज़ें, इसके अलावा बुक कौन कौन सी होनी चाहिए इसके लिए मैं आपको एक चीज़ तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, ये मॉडल बुक है, इसके इसमें मॉडल पेपर भी है और एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर भी है। ओल्ड पेपरों से आपको पता चलेगा कि इस वैकेंसी का लेवल क्या है, इसमें किस लेवल के पेपर आते हैं। इसमें 13-14 ओल्ड पेपर दे रखे हैं पुरानी शिफ्ट के, साथ में मॉडल पेपर भी दे रखे हैं जिनसे आप जान सको कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आपके मान लो 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको और थोड़ी मेहनत करनी है, 50 आ रहे हैं और थोड़ी, और आपका दिन ब दिन कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पर डे आप एक भी मॉडल पेपर मिलाओगे तो उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो ये एक तो ये मॉडल पेपर की बुक होनी चाहिए। दूसरी, आपके पास में मैथ की अलग से बुक होनी चाहिए, जीके की लूसेंट की जो मैं बुक आपको कई बार रिकमेंड कर रहा हूँ वो बुक होनी चाहिए आपके पास में, जीके की अलग से बुक होनी चाहिए। उसके अलावा हिंदी की आप कोई ना कोई आपके पास में बुक होनी चाहिए और रीजनिंग की कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। दोस्तों ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट की आपके पास में बुक होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी बुक हो आपके पास में होनी चाहिए। मॉडल पेपर की बुक 100% आपके पास में होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने परचेस नहीं किए तो परचेस कर लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, बहुत ही अच्छी बुक है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो फालतू बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। यानी 4 सब्जेक्ट की वो और साथ में एक मॉडल पेपर की, ये 5 बुकें आपके पास में होनी चाहिए अगर आप तैयारी करते हो। 101% होनी चाहिए अगर आप तैयारी करते हो, आज के टाइम में आपके पास में होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने बताया 7 से 8 घंटा आपके पास में टाइम होना चाहिए, और सबसे खास बात आपका दिल भी होना चाहिए जॉब को करने के लिए, आपका पूरा मतलब मन लगन होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, गारंटी है मेरी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी पहली बार भी बता चुका हूँ दोस्तों, अभी आप जिस पायदान पे हो ना आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, सभी के साथ ऐसा होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये आपके 100 के पेपर में से 40 नंबर 30 नंबर 25 नंबर भी आ रहे हैं, ये सभी के साथ हुआ है। जब मैं भी तैयारी में उतरा था तो मेरे भी इतने आते थे, और भी जो धुरंधर है ना जो आईपीएस बने वो भी पहले दिन आईपीएस नहीं, उतने आईपीएस के एग्जाम फाइट नहीं किए, वो भी यहीं से उठते हैं, तो आपको भी यहीं से उठना है, ठीक है। आपको यहाँ से अब तैयारी शुरू करनी है, आपके पास में 4 महीने का समय, 4 महीने में आपको मैंने ये 5 बुक बताई, इसके बाद मैं और बुक बताऊँगा, लेकिन समय आने पर, अभी नहीं, अभी के लिए ये 5 बुक आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। कोचिंग के लिए मैंने बता दिया, अगर आपको आप चाहते हो मैं रिकमेंड करूं तो मैं आपको कोर्स भी ऑनलाइन, कौन से कोर्स सबसे अच्छा है एसएससी जीडी के, वो भी मैं आप अगर चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए भी बेस्ट है, जिसको आप मतलब आपके लिए अच्छी कोचिंग रहेगी, मैं कोर्स वो भी चेक करके आपको अगर आप चाहो तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन होनी चाहिए। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उसके पास में तो 100% होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 4 महीने का समय, 4 महीने में अगर आपको जॉब चाहिए तो मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी, ठीक है। कोचिंग इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, कोचिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करके दे देते हैं जो आपको बहुत मेहनत करने के बाद में मिलती है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, तो उससे आपका समय बचेगा, कम समय में आपको ज़्यादा कर पाओगे, ज़्यादा आंकड़ा फिट कर पाओगे, ज़्यादा
मतलब लर्न होगा आपको कोचिंग से, तो इसीलिए मैं आपको वो रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, इतना समय होना चाहिए, सबसे बड़ी आपका दिल होना चाहिए फौजी बनने के लिए। अगर आपका दिल है हिंदुस्तानी, आपका दिल है फौजी बनने का, आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा, चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना जाए, अगर दिल हिंदुस्तानी है तो फौजी बन के रहेगा। और उसके लिए 4 महीने का समय बहुत समय है, 120 दिन, अरे बहुत समय है। 120 दिन में अगर आपको कैसे कबूतर नहीं आता, तो एक दिन जेड कबूतर तो छोड़ो, कबूतर तो उड़ा दोगे आप, ठीक है, जेड फोर जेबरा तक पहुंच जाओगे, अल्फाबेट भी याद कर लो, गारंटी है मेरी आपको मैथ का कुछ नहीं आता, रीजनिंग का कुछ नहीं आता, लेकिन मेहनत आपको करनी है। और ज़्यादा समय की भी जरूरत नहीं है, आप 7 से 8 घंटा दिल से पढ़ लो 8 घंटे दिन में, बाकी भले आप काम करते हो कुछ भी करते हो, लेकिन दिल से पढ़ना है, ठीक है। 4 घंटे की कोचिंग, 4 घंटा आप पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। नहीं हो तो वीडियो रिकॉर्ड है, मेरे को बता दें। जय हिंद, जय भारत।